assertion region. For hydrogenation reaction, the catalytic activity increases from group 5 to group 11 elements with maximum activity shown by group 7 to 9 element. बिल्कुल सही statement है. Group 7 to 9 में देखो, आप देखो 9 group में कौन से आते हैं, वो nickel, palladium, platinum वगैरह आएंगे, उनको तो hydrogenation में use करते हैं, तो उनकी catalytic activity ज्यादा होती है. बिल्कुल सही statement है. The reason, the reactants are most strongly adsorbed on group 7 to 9 element. तो ग्रुप 7 से 9 एलिमेंट की एक एबिलिटी होती है, वो अपने सरफेस पे जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको अच्छे से एडजॉर्ब कर लेते हैं. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है. रीजन एक्सप्लेन असर्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आंसर इज 1. सीधा 1 मत लगाना, कई बार ऊपर नीचे कर देता है एग्जामिनर. पूरा पढ़ लेना ऑप्शन को भी एक बार, ठीक, कहीं जल्दबाजी कर जाओ. और ये दोनों लाइन है ना एनसीईआरटी में लिखी है, कहीं सोचो सर ने कैसे बोल दिया इसे, एनसीईआरटी में लिखा अगर खोल के देखोगे तो. Assertion, zirconium and hafnium occur together in nature and are difficult to separate. बिल्कुल सही statement है. Zirconium और hafnium जो है, इनका size almost same हो जाता है और ये nature में एक साथ exist करते हैं, इसलिए इनको separate करना difficult हो जाता है. तो पहली statement सही है. और difficult क्यों हो जाता है? Due to almost same size. इनका size almost same हो जाता है. और same क्यों हो जाता है? इसका reason क्या होता है? वो आप जानते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है. Due to lanthanoid contraction. बोलो कोई डाउट है क्या? सही है कि नहीं है? अब रीजन पढ़ो, ये तो assertion का रीजन मैंने आपको बता. अब क्या लिखा है? Zirconium and hafnium have identical radii due to lanthanoid contraction. बिल्कुल सही, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. और सेम क्या होता है? एक का 159 पिकोमीटर, दूसरे का 160 पिकोमीटर, इतना नियरेस्ट इसलिए होता है ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रेक्शन. तो assertion सही है, रीजन सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो आंसर क्या आ जाएगा? इफ बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 1. अच्छा क्वेश्चन था, कर लेंगे ऐसे. Sol forms 2,4,6 tri-bromophenol on treatment with Br2 water at 273 Kelvin. बिल्कुल सही स्टेटमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. फिनोल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ये स्टेटमेंट भी सही है. भाई देखो यहां पे ये जो फिनोल है ना, अगर किसके साथ रिएक्शन करेगा? ब्रोमिन वाटर के साथ, तो क्या बनता है? ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा. ये बनता व्हाइट पीपीटी. ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बनता क्यों है? ये OH प्लस M है, इसकी वजह से नहीं बनता. ये बनता है क्योंकि फिनोल है ना वाटर में क्या करता है, फिनोल वाटर में अपना H प्लस रिलीज कर देता है, जिसके कारण ये बन जाता है फिनोक्साइड आयन. और इस फिनोक्साइड आयन की वजह से देखो वहां पे न्यूट्रल, ये भी प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे. अब ये तीनों जगह से बी आर टू पे अटैक करके क्या करता है, ये फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है. समझे कि नहीं समझे? ऐसा होता है. तो फिनोक्साइड आयन के बनने की वजह से. तो assertion रीजन बहुत करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ये इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा. तो इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो 26 का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26 आंसर इज 2. ठीक है भाई, तो ये कुछ नोट करना कर लो, वैसे अच्छा क्वेश्चन है भी, क्योंकि एनसीईआरटी में है ना, तो वहां से assertion रीजन आ सकता है. assertion रीजन का क्वेश्चन है, K2NiEDTA इज मोर स्टेबल देन K3Al(C2O4)। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, K2NiEDTA जो है वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यहां पे किससे ज्यादा स्टेबल है? K3AlC2O4 से. क्यों ज्यादा स्टेबल है? इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि EDTA क्या है? ये आपका हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स है. EDTA क्या होता है? हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स है जो ज्यादा चिलेशन करेगा. क्या करेगा? मोर चिलेशन. और ज्यादा चिलेशन तो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स. ये क्या है? बाइडेंटेट है. क्या है ये? बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सलेटो. तो ये क्या है? इसमें कम चिलेशन होगा. ठीक, तो अब ये मोर स्टेबल बना देगा. समझे कि नहीं समझे? मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. फिर नेक्स्ट क्या लिखकर का देखना, सेकंड स्टेटमेंट. assertion तो सही हो गया, रीजन भी मैंने आपको बता दिया. निकल इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल एल्यूमिनियम इज ए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट. ये स्टेटमेंट तो सही है. निकल क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जबकि एल्यूमिनियम नहीं है. एल्यूमिनियम तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है. तो assertion रीजन बहुत सही है, लेकिन रीजन नॉट एक्सप्लेन assertion. क्यों? क्योंकि जो रीजन मैंने दिया वो थोड़ा लिखा है उसमें. ठीक, रीजन क्या है कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ज्यादा चिलेशन होगा, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. रीजन डजंट एक्सप्लेन assertion. ठीक, तो
तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, आंसर इज टू, असर्शन रीजन है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड व्हेन डिटरमाइंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज फाउंड हाई। देखो भाई आपका मॉलिक्यूलर मास एक तो होता है, अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करते हो, नॉर्मल नॉर्मल मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मास, ये करते हैं ठीक। अब इसका नॉर्मल मास से ज्यादा होता है एबनॉर्मल मास बेंजोइक एसिड का, इसलिए इसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वन से मतलब आई होता है, सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आई बोलते इसको, वांट ऑफ फैक्टर, ये वांट ऑफ फैक्टर आता है। तो बेंजोइक एसिड के लिए अगर आप लिखेंगे, बेंजोइक एसिड ऐसे होता है, ये देखो ये बेंजोइक एसिड है, तो इसमें ये क्या करता है, बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऐसे एसोसिएट हो जाएंगे, और ये ऐसे एसोसिएट होने के बाद क्या होगा भाई, इसका आई जो है वो हाफ आ जाएगा ठीक। तो अब आई इक्वल टू अगर हाफ आएगा तो इसका एबनॉर्मल मास जो है, एबनॉर्मल मास जो है दैट विल बी इक्वल टू टू इंटू कैलकुलेटेड मास, जो आप नॉर्मल मास करते हो ना, टू इंटू कैलकुलेटेड नहीं, टू इंटू नॉर्मल मास, नॉर्मल मास जो आप लिखते हो नॉर्मल मोलिकुलर मास ठीक, उससे कितना ज्यादा हो गया, दो गुना हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन व्हेन डिटरमाइंड बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाउंड हाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दो गुना हो जाता है। डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड टेक प्लेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, डाइमराइजेशन की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या बढ़ जाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल की बजाय ये एक साथ ऐसे दो मॉलिक्यूल रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अकेला हूं तो मेरा वेट मान लीजिए 80 है, और अगर मान लीजिए मेरे जैसे दो आदमी है और वो दोनों ऐसे जुड़वा रहे तो उनका वेट कितना होगा, 80 प्लस 80 160। तो ऐसे ही बेंजोइक एसिड आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़वा हो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, बढ़ जाता है। तो बढ़ जाएगा ड्यू टू डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, और डाइमराइजेशन क्यों हुआ, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो असर्शन सही, रीजन सही एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर क्या आ जाएगा 28th का फर्स्ट आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ठीक।